साफ ही नहीं, ये तो मेंढक बिच्छू हर कुछ वो निकला जो आपने सोचा तक नहीं था। इसने आपके भरोसे को खुद की लालच और परेज की आग में जला के राख कर दिया। आज तक आप जिस शख्स के पास इंसाफ मांगने जाते थे वो इस दुनिया में ना इंसाफी की सबसे बड़ी मिसाल है। आज समझ में आया कि जब दुनिया की लानत और नफरत मिलती है तो कैसा लगता है। आज पता चला कि जब सब दुश्मन बनकर सामने खड़े हो जाते हैं तो कैसा लगता है। तेरी वजह से सफर, तेरी वजह से जो जो तेरी वजह से मेरी अम्मी के साथ हुआ है वो सब तेरे साथ होगा सफर। बस फर्क कितना रहेगा, मेरी अम्मी मासूम थी और तू सचमुच इस लानत नफरत के लायक है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई है, ठिकाना है तो नहीं पर एक दिन बनेगा जरूर सफर। बोल लिया, तुझे क्या लगता है इन दो कौड़ी के भिखारियों को हमारे खिलाफ वरगला के तू जीत जाएगा? आज तेरी मेरी हार जीत से बहुत आगे निकल चुकी है सफर। तो जैसे लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ होती है ना, लेकिन इन गरीबों के लिए दिल, इनकी मासूमियत, इनका यकीन ही सब कुछ होता है। और तूने इन तीनों के साथ खिलवाड़ किया है, आज ये तुझे छोड़ने नहीं वाले। इन दो कौड़ी के भिखारियों के औकात हमारे जूते पर लगी हुई धूल से कहीं ज्यादा कम है। हम सफर हैं, सफर। गुनहगार है तू, गुनहगार। और तू इन लोगों को जो समझना चाहता है ना समझ, लेकिन इन्हें तेरा सच समझ में आ गया है और अब ये तेरे साथ जो करेंगे ना वो तू सोच भी नहीं सकता। आज मेरा बदला पूरा होगा, मेरे भाई अमू की जान का बदला पूरा होगा सफर। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यही है बबूचर। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। पर काले चोर वो लोग निकल गए तो हम उन्हें कहां ढूंढेंगे? उनके बिल में। चूहा डर के अपने बिल में ही जाता है। रईस भाई शुक्रिया, अब आगे का काम मैं संभाल लूंगा। आप सब आइएगा लेकिन जश्न फतेह में, और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप सब के सामने सफर को हम सजा देंगे। क्या आप लोग आएंगे? फिक्र मत करो जिनू, झूठ और चलाकी का बोझ लेकर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और अपना हर गुनाह कबूल कर रहा होगा। बिल्कुल आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उसे थोड़ी सी भी मार हजम नहीं होती, पिटाई के डर से तो वो सब सच सच उगल देगा। जिनू अपने जादू से ये पता करो कि जहर और जफर कहाँ है।
खींचने वाले हैं झूठ के कान, कहाँ है जहर का भाई जान। चलो बस बस क्यारी जगह बहुत सारी। मेरा कहने का मतलब है बेगम, मेरी प्यारी बेगम, मुझे जाने दो। चलो अरे गुल्लू, अकेले अकेले हंसी के गुब्बारे क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि चाचा थोड़ी देर पहले अम्मी आई थी, कह रही थी कि उनके वजीर आला जिनके आका उनकी उनके घर वालों से ज्यादा फिक्र करते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जफर के पास कोई जिन है ही नहीं, और तो और अब तो बहुत जल्द वजीर की गद्दी भी छूटने वाली है। और वो तो ये भी नहीं जानती कि अब वो जिन अपने असली आका यानी भाई मेरे भाई अलादीन के पास वापस आ गया है, और वो जिन और कोई नहीं अपना जीनू है जीन। अब आप बताओ हंसू नहीं तो क्या करूं। हमारे जिन की बात तुम तक ही रहनी चाहिए। वाई 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 वाई। कसम सोने की अशर्फियों की, इसका मतलब है कि जुनैद ही शेख जीनू और शेख जीनू ही जिन। पहले वो अलादीन के पास था, उसके बाद जफर के पास, और अब फिर से अलादीन के पास। यानी वजीरे आला अब वजीरे आला नहीं रहे, ना ही सुल्ताना के मंगेतर और ना ही जिन के आका। अब आई बात अकल में। मैंने पहले ही कहा था हमें जफर का नहीं सुल्ताना का साथ देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। रेटी प्रेन में तुम्हारी भलाई है, कसम सोने की शर्तियों की। मियां ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। पर मेरा खेल खत्म। कसम सोने की अशर्फियों की, लोग बुरे होते हैं, कमीने होते हैं, पर जफर अव्वल दर्जे का शैतान है। शैतान वो इतनी जल्दी फना नहीं होगा, जरूर कोई ना कोई फितना खड़ा करके जाएगा। पीछे मुड़ के देखोगी तो मुंह के बल गिरोगी। जिनू ये क्या ढूंढ रहा है? शायद भागने का रास्ता। क्यों चाचा? लगता है ये दिमाग से जरा पैदल है, जो अब तक नहीं समझ पाया कि इसका हर रास्ता बंद हो चुका है, और इसके फरेब चालाकियों की खिचड़ी चल चुकी है, और मलिका तक पहुंचने के इसके रास्ते में हम खड़े हो चुके हैं। जफर, तू हार गया। आसमान भी तेरी हार का ऐलान कर रहा है वजीरे नाला।
गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं। तेरी बदौलत मैंने भी ये महसूस किया है कमीने, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। अलादीन, अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। और आवाम का कत्ल नहीं बल्कि पूरे आवाम के यकीन का कत्ल किया है। तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। यही काफी है। मैं मेरे अप्पू का, अम्मी का, नक्चड़ी का, चिनू का, अंगूठी छाप का, बगदाद के हर किसी का गुस्सा है। पता है, पता है। ओ नाम जहर, काम जहर, फिर यहाँ से जहर निकालोगे? हमें पता है जिनू, हमें पता है, पर इन्हें नहीं पता कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। नहीं चलता लंबा बुराई का धंधा, जहर के ऊपर आ जाए कुछ गंदा डंडा। दुग्गी पे दुग्गी, सत्ते पे सत्ता, पत्थर का निशाना, मधुमक्खी का छत्ता। आखिर वजीरे आला को इस दो कौड़ी के लड़के के कदमों में आना ही पड़ा। तू हमारे सर पर चढ़ के बैठ गया था जफर, लेकिन तेरी असली जगह ये कदमों में। मेरे अप्पू, मेरी अम्मी, नक्चड़ी, जिनू, अंगूठी छाप, बगदाद, सबके कदमों के नीचे है तेरी जगह। सजा देने का हक उन्हें है, और मैं ये हक उन्हें जरूर दूंगा।
जिनू, झूठ से बड़ी बीमारी ना सर्दी ना खांसी, आका के हाथ में आ जाए धंधाए फांसी। इंसाफ का तेल डलेगा अच्छाई के दिए में, जफर आ जाए मुच्छड़ के होलिये में। आज के दिन बगदाद की पाक जमीन एकदम हल्की हो जाएगी, क्योंकि आज उस पे से ये गुनाहों का इतना बड़ा पहाड़ जो टूट जाएगा। वज़ीर आला और मुच्छड़ चले। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, कोई बहुत बहुत मुबारक। आप जो करने जा रही हैं वो शायद कोई और नहीं कर पाता। हम सबको आप पर नाज है, आपके अब्बू को भी आप पर नाज है। सच पर सबका हक होता है जिनी मिनी, चाहे वो बादशाह हो या फिर आवाम। सफर ने इन सबसे इनका हक छीन रखा था, हम तो बस इन्हें वही लौटा रहे जो इनका है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जश्न फतेह मुबारक हो। अच्छा, आगाज तो सुल्ताना ने दमदार तरीके से कर दिया है, और उसे अंजाम तक भाई मेरा भाई अलादीन लेकर जाएगा। पर अलादीन और जीनू आए क्यों नहीं अब तक? या अल्लाह, मेरे बच्चों का साथ देना। पिछले एक बरस में हम सब ने कई उतार चढ़ाव देखे। बर्फीला तूफान, हैवाने हिबलिस, पानी का काला हो जाना, जिंदा मुर्दे, लेकिन आज के बाद कोई भी शैतान हमारे बगदाद पर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। पिछले एक बरस में पूरे बगदाद ने मेरे अलादीन से बहुत नफरत की है गुल्लू। आज सुल्ताना उस नफरत को मिटाने में कामयाब हो जाए बस। जरूर होगी चाची जान, देखना आज असली गुनहगार भी सामने होगा, उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा भी, और पाए मेरे भाई अलादीन की बेगुनाही का सबूत भी। देखना जरूर होगा ऐसा। चाची जान वो देखिए, आज हम बेहद खुश हैं, लेकिन अफसोस एक बात का है कि आज के जश्न में हमारे साथ हमारे वजीरे आला शामिल नहीं हो पाएंगे।
बरसों से जानते हैं और आज पहचान भी जाएंगे। पहचानते तो हैं।